आयोजक है मटकू मंगलम टावर गोलघर गोरखपुर। लखनऊ से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने प्रदेश के सभी जिलों के अधिकारियों के साथ किया वर्चुअल संवाद। कोरोना की संभावित चौथी लहर के मद्देनजर जिलों में टेस्टिंग बढ़ाने के लिए अधिकारियों को दिए निर्देश। एंटी करप्शन की टीम ने वरिष्ठ सहायक सुशील कुमार मौर्य को 10,000 की रिश्वत लेते रंगे हाथ किया गिरफ्तार। चिकित्सा प्रतिपूर्ति के लिए लिया था 10,000 का रिश्वत। कैंट थाने में मुकदमा पंजीकृत करवाकर की जा रही है आगे की विधिक कार्यवाही। डीएम ने कहा, शासन के जीरो टॉलरेंस अगेंस्ट करप्शन की नीति के तहत की जा रही है लगातार कार्यवाही। मंगलवार को मुख्य चिकित्सा अधिकारी कार्यालय में प्रमाण पत्र बनाने के नाम पर 5,000 की रिश्वत लेते हुए लिपिक सत्य प्रकाश शुक्ला हुआ गिरफ्तार। कोतवाली पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर बुधवार को भेजा जेल। गुरधुइया नाला के सफाई के संबंध में जिलाधिकारी विजय किरण आनंद ने अधिकारियों के साथ की बैठक। 15 जून तक नाला सफाई के कार्य को पूरा करने के लिए अधिकारियों को दिए निर्देश। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत फसल बीमा पाठशाला का लखनऊ से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से हुआ आयोजन। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना का लाभ उठाने पर हुई चर्चा। कृषि मंत्री ने कहा, किसानों को प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के प्रति करें जागरूक। शासन ने सभी जनप्रतिनिधियों और राजपत्रित अधिकारियों को अपने क्षेत्र के परिषदीय विद्यालयों को गोद लेने का दिया निर्देश। जिलाधिकारी ने की अपील, कहा, जनप्रतिनिधि व अधिकारी गोद लेकर विद्यालय के कायाकल्प में दे अपना योगदान। प्रदेश के खाद्य एवं रसद तथा नागरिक आपूर्ति राज्य मंत्री ने गोरखपुर मंडल के अधिकारियों के साथ की बैठक। कहा, गेहूं क्रय में लाएं तेजी। किसानों को निर्धारित अवधि में करें गेहूं के मूल्य का 100% भुगतान। खाद्यान्न के वितरण में घटतौली पर करें कठोर कार्रवाई। कक्षा 4 से लेकर 8 के प्राथमिक विद्यालय के छात्रों का सरल ऐप पर परीक्षा सकुशल हुआ संपन्न। जिलाधिकारी ने कहा, परीक्षा के माध्यम से बच्चों के IQ लेवल की जा रही है जांच। हर 3 महीने पर एग्जाम करवाकर बच्चों को पढ़ाई में बनाया जाएगा निपुण। पूर्वोत्तर रेलवे क्रीडा संघ के तत्वावधान में 27 से 30 अप्रैल तक आयोजित होने वाले 14वीं अखिल भारतीय रेलवे महिला एवं पुरुष हैंडबॉल प्रतियोगिता का पूर्वोत्तर रेलवे के महाप्रबंधक एवं नरसा के संरक्षक अनुपम शर्मा ने किया शुभारंभ। पूर्वोत्तर रेलवे और बनारस लोकोमोटिव वर्क्स ने जीते अपने अपने मैच।